हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही बेहतरीन चटनी। यहां से हम पुदीना ले लेते हैं, बहुत ही हरा भरा यहां पे पुदीना है, तो यहां से हम पुदीने के पत्तियों को तोड़ लेते हैं। ये जो चटनी मैं बनाने वाली हूँ वो मेरे पापा जी को बहुत पसंद आती है और वो बहुत बनवा कर इसे खाते भी हैं, तो उन्होंने कहा कि पूनम इस चटनी को YouTube पर शेयर क्यों नहीं करती हो, तो मैं आज उसी चटनी को शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पुदीने की पत्ती को मैंने आवश्यकता के अनुसार तोड़ लिया है। मैंने पुदीने की पत्तियों को तोड़ लिया है, तो अब हम चलते हैं घर चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो ये हमने हरी धनिया की पत्ती ली है और ये 3 मूली ली हुई है और 1 प्याज लिया हुआ है, 3 आमी ली है, यहाँ पर इसको टिकोरा बोलते हैं, और ये 2 टमाटर लिए हैं और 5-6 हमने हरी मिर्च ली है और ये हमने पुदीना लिया हुआ है। सबसे पहले हम मूली के डंठल को काट लेते हैं दोनों तरफ से। प्याज को भी हम छील कर रख लेते हैं, दोनों तरफ से इसे कट करके इसका छिलका उतार लेंगे। अब हम मूली का ऊपर से हल्का सा छिलका उतार कर रख लेते हैं। इसी तरह हम सारे मूली का छिलका उतार कर रख लेंगे। अब हम आमी को किनारे से कट करके उसका भी छिलका उतार कर रख लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं। इधर हम पुदीने को भी धो लेते हैं। अब हम धनिया की पत्ती को बारीक काट लेंगे। प्याज को काट लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से प्याज को काटा है, बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। मूली को भी काट लेते हैं, इसे हम 4 भाग में करके उसे मूली को काट लेंगे। टमाटर को काट लेते हैं। हम इन चीज़ों को इसलिए बारीक काट रहे हैं ताकि हम इसे आसानी से पीस सकें। यहाँ पके हुए टमाटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कच्चे टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। टमाटर को हमने काट लिया है, अब हम आमी को भी काट लेते हैं। इसमें से जो बीज है छोटे से वो निकाल लेते हैं इसको काट कर। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलबट्टे पर रख लेते हैं मूली। अब हमें मूली को दरदरा सा कूट लेना है। ये देखिए सिलबट्टे से हमने इसको इस तरह से कूटा हुआ है। अब
देख सकते हैं मूली को हमने दरदरा सा कूट लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में इसे दरदरा सा पीस सकते हैं। मूली को हमने कूट लिया है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम प्याज को सिलबट्टे पर रख लेते हैं। मूली की तरह इसे भी हम दरदरा सा कूट लेंगे। सिलबट्टे पे हम सारी चीज़ों को एक साथ नहीं कूट सकते हैं, इसलिए हमने बारी बारी से इन चीज़ों को कूटा है। तो यहाँ प्याज को भी हमने कूट लिया है, अब हम इसे भी प्लेट में रख लेते हैं। अब हम इस पे आमी को रखेंगे और हरी मिर्च को रख लेते हैं और अदरक लहसुन, इन सब चीज़ों को साथ में पीस लेंगे। इसको हम एकदम महीन पीसेंगे। देख सकते हैं यहाँ मैंने आम, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है। सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी का स्वाद बिल्कुल अलग आता है, लेकिन आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी पीसकर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आम, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च को पीस लिया है। अब इसी के साथ हम टमाटर को भी पीसेंगे और बिल्कुल बारीक पीसेंगे। अब हमने उन सभी चीज़ों को पीस कर उठा लिया है प्लेट में, तो अब इस पे रख लेते हैं पुदीने की पत्ती और धनिया की पत्ती, इसे भी हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। अब चाहे तो जो हमने बारीक पीसी है सारी चीज़ें उसको मिक्सी में एक साथ पीस कर रख लीजिए। अब हम इसे भी बारीक पीस कर एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हमने जो बारीक पीसी हुई चटनी थी उसको हमने एक कटोरी में निकाला हुआ था और इधर जो मूली और प्याज को हमने दरदरा सा कूटा हुआ था उसी के ऊपर हम इस चटनी को डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ मैंने सादा नमक डाला है, आप चाहे तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। तो अब हमारी चटनी ये बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं चटनी बहुत ही सुंदर लग रही है, और आपको मैं बता दूं ये चटनी जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आप इस तरह से आप बनाकर खाते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।